हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीवो मोबाइल में नोटिफिकेशन मेथड क्या है, ये कहां पर मिलेगा और इससे क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वीवो मोबाइल में नोटिफिकेशन मेथड वीवो मोबाइल का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर मिलेगा और इससे क्या होता है। तो वीवो मोबाइल में ये सेटिंग लाने के लिए वीवो मोबाइल का सेटिंग ओपन करिए और उसके बाद आप यहाँ डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से आएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे करिए और आप यहाँ स्टेटस बार पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन मेथड ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अभी नोटिफिकेशन मेथड में आइकॉन सेट है, तो जब नोटिफिकेशन मेथड में आइकॉन सेट रहेगा तो जब आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा किसी भी ऐप का, तो उस ऐप का आइकॉन आपको स्टेटस बार में शो होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर डेली हंट से नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो डेली हंट ऐप का आइकॉन यहाँ पर स्टेटस बार में आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर जो आप नोटिफिकेशन मेथड चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप नंबर सेट करना चाहते हैं, तो नंबर में सेट कर दिया, अब यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन बार में जितना भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहेगा तो उसका नंबर यहाँ पर शो होगा। जैसे मेरे नोटिफिकेशन बार में 2 नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो नंबर शो हो रहा है क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन मेथड में नंबर सेट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर नंबर दिखा रहा है 2, मतलब 2 नोटिफिकेशन आया हुआ है। या आप अगर जो नन सेट कर देते हैं, जैसे मैं नन सेट कर दिया, तो आप नन सेट कर दिया नोटिफिकेशन मेथड में, तो अब मेरे नोटिफिकेशन बार में किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन आया हुआ रहेगा तो ना ही तो उसका नंबर शो होगा, ना ही तो उस ऐप का आइकॉन शो होगा क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन मेथड में नन सेट कर दिया। तो नोटिफिकेशन मेथड से यही होता है, आप इसमें जो भी सेट रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे मैं आइकॉन सेट रखता हूँ, तो आइकॉन सेट रहने से यही होगा कि जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन आया हुआ रहेगा उस ऐप का आइकॉन यहाँ पर स्टेटस बार में दिखाई देगा। तो नोटिफिकेशन मेथड से यही होता है वीवो मोबाइल।